दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी KS चौहान ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें नमन कर कहा कि भीमराव अंबेडकर का जीवन काफी संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। अंबेडकर साहब ने भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने न केवल पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई की बल्कि यह एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने पक्षपात और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। KS चौहान ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। दोस्तों, प्रतिभा मौके की मोहताज नहीं होती, मौके प्रतिभा के मोहताज होते हैं। ऐसी ही प्रतिभा ने जन्म लिया आज से 31 वर्ष पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जिन्हें मौके ने स्वाधीन भारत का पहला कानून मंत्री बना दिया। कोई चोट खा के कंकर कंकर हो जाता है और कोई चोट खा के शंकर शंकर हो जाता है। ऐसे ही थे हमारे भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी, जो अभाव में तो जिए लेकिन दबाव में नहीं जिए। ज्ञान किसी को इतना ऊपर उठा सकता है, ये आप बाबा साहब से सीखिए। उन्होंने LLB की, MA सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की और उसके बाद PhD की, जिसकी आधार पे रिजर्व बैंक की आधारशिला रखी गई। ऐसे थे हमारे बाबा साहब अंबेडकर। उनकी सोच बहुत ज्यादा उत्तम थी, सहिष्णुता थी उनकी सोच में। किसी भी इंसान को कोई दिल में तस्वीर और घर में तस्वीर नहीं बना सकता, उसके लिए सद्वृत्ति और सद्भावना की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे ही थे हमारे बाबा साहब अंबेडकर। मैं उनके अवतरण दिवस पर उन्हें और उनकी सोच को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।